गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ बुक एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडेज लेक्चर 3, स्किप काउंटिंग। टुडेज लेक्चर 3, स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग इज बाय अ नंबर दैट इज नॉट 1। स्किप काउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड काउंटिंग बाय 2 times और 5 times एक्स्ट्रा। स्किप काउंटिंग वो काउंटिंग होती है जिसमें एक नंबर का डिफरेंस नहीं होता है। इसके अलावा इस अक्सर 2 नंबर 5 नंबर ज़्यादातर 2 या 5 नंबर का ही डिफरेंस होता है, उसे हम स्किप काउंटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, वी स्किप काउंट बाय 2 times लाइक दिस: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। स्किप काउंटिंग बाय 10 इज द इजिएस्ट। इट इज़ लाइक नॉर्मल काउंटिंग 1, 2, 3, एक्सेप्ट देयर इन एन एक्स्ट्रा 10 times। स्किप काउंटिंग 2 को कैसे काउंट करते हैं? 2 की तो ये टेबल हो जाती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20। इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? आपको 2 टर्म दिए होते हैं स्किप काउंटिंग के लिए। मैक्सिमम 3 टर्म्स के सीरीज बनी होती है। एग्जाम्पल, 2, 6, 2, 4, 6। आगे में हम आगे नंबर को इंक्रीज करने के लिए, सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा उसे हम आपको बताते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। देन 2 प्लस करते हैं आगे की सीरीज में, कंटिन्यूसली 2 प्लस करते जाते हैं, वो 2 की स्किप काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। देन 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। ये हमारी 2 की स्किप काउंटिंग सीरीज, 2 की सीरीज बनती जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह हम थर्ड वाले में देखते हैं, 10 वाले में स्किप काउंटिंग बाय 10 डाइजेस्ट। इट इज़ लाइक नॉर्मल काउंटिंग 1, 2, 3। हम इसे नॉर्मली 1, 2, 3 नंबर्स लिख सकते हैं 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसमें 1 0 सब नंबर्स में सीरियल वाइज 1, 1, 0 ऐड करते चलेंगे तो वो 10 की स्किप काउंटिंग बन जाएगी। दिस इज़ अ नॉर्मल वे, दिस इज़ अ ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ 10 स्किप काउंटिंग। बट आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड ऑफ दिस नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है, ये नंबर कैसे मिलेगा जो हम ऐड करें तो ये सीरीज कंप्लीट होगी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। देन 20 में 10 ऐड करेंगे 30। 30 में 10 ऐड करेंगे 40। 40 में 10 ऐड करेंगे 50। 50 में 10 ऐड करेंगे 60। 60 में 10 ऐड करेंगे 70। 70 में 10 ऐड करेंगे 90। 80 में 10 ऐड करेंगे 90। 90 में 10 ऐड करेंगे 100। सो दिस इज सिंपल वे फाइंड टू स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग का मतलब होता है जिसमें एक नंबर का डिफरेंस ना हो, 2 नंबर के हो, 3 नंबर के हो, ठीक है। अब पता कैसे करते हैं? 2 की स्किप काउंटिंग बहुत ईजी होती है। हम वहाँ पे टेबल फाइंड आउट, टेबल फॉर्म करते हैं। 2 की स्किप काउंटिंग 2, 4, 6 फाइंड आउट कैसे करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। अब वो 2 हम आगे की सीरीज में ऐड करते जाएंगे और सीरीज इंक्रीज करते जाएंगे। दिस इज योर क्लास असाइनमेंट, ऑब्जर्व द पैटर्न द कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हो गए हैं जिसे हम कंप्लीट करेंगे। 8, 10, 12। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो किसी की टेबल नहीं बन रही, बट कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। 10 माइनस 8 कितना आया? 10 माइनस 8 2 आया। 2 की स्किप काउंटिंग, 2 का डिफरेंस आया, 2 2 हम ऐड करते चलेंगे। 12 में 2 किया 14, 14 में 2 ऐड किया 16, 16 में 2 ऐड किया 18। सेकेंड क्वेश्चन, 20, 22, 24। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 20 माइनस 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2। देन ऐड करेंगे 20 प्लस 2 20 26 28 30। यहाँ पे कितने नंबर्स के डिफरेंस है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म में?
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 40 माइनस 30 10 नंबर के डिफरेंसेस हैं, 10 ऐड करेंगे, 10 प्लस 50 60, 10 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80। दिस इज फोर क्वेश्चन। 142 माइनस 132 10 नंबर के डिफरेंस आते हैं आएंगे, 142 माइनस 132 इज इक्वल टू 10, 10 ऐड करेंगे, 152 प्लस 10 166 162 172 182, 10 10 ऐड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में 75 75 80 85, फाइंड आउट 10 80 माइनस 75 इज इक्वल टू 5 5 को 5 5 हम ऐड करते चलेंगे, 85 प्लस 5 90 90 प्लस 5 95 95 प्लस 5 100। ये 2 की स्किप काउंटिंग है, फर्स्ट नंबर इज 2 की स्किप काउंटिंग है, सेकेंड 2 की स्किप काउंटिंग है, थर्ड 10 की स्किप काउंटिंग है, फोर्थ 10 की स्किप काउंटिंग है, देन फिफ्थ इज फिफ्थ की स्किप काउंटिंग है। 5 5 का डिफरेंस हो गया, ये फिफ्थ की काउंटिंग हो गई। 2 की स्किप काउंटिंग बताया था, 5 की स्किप काउंटिंग बता दिया था, स्किप काउंटिंग 10, 5 की स्किप काउंटिंग 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, देन प्लस 5 15, देन प्लस 5 15 प्लस 5 20। ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है, ये क्लास असाइनमेंट है, होमवर्क असाइनमेंट इस सीरीज में नहीं है, इस चैप्टर में होमवर्क असाइनमेंट नहीं है, आप इसे क्लास वर्क की कॉपी में कंप्लीट करो।